नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फुटपंडा में स्वागत है आपका। संकट के इस घड़ी में भगवान हम सभी लोगों की मदद करे, सारे संसार की। आज मैं आप लोगों के लिए घर में बचे हुए सामान से ही एक रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आटा ले लूँगी। आटा मैंने लगभग 4 या 5 लोई के लिए लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा बना के आप लोग को दिखा दिया है। और आटे के साथ ही मैं थोड़ा सा चीनी जो कि पिसा हुआ है, लगभग 250 ग्राम मैंने आटा लिया है, और चीनी भी लगभग मैंने 5 टेबल स्पून ले लिए हैं। और उसके बाद मैं हल्का सा इसमें प्योर घी डाल के इसका टाइट डो बना लूँगी। देखिए मैंने प्योर घी डाल दिया और अब मैं इसका टाइट डो बना लूँगी। सॉरी, लाइट ज़्यादा पड़ने के चलते आटा नहीं दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद के साथ, और चीनी भी। अब मैं सबों को मिला के अब मैं सभी को मिलाकर अच्छा सा एक टाइट डो बना लूँगी। डो एकदम टाइट रहना चाहिए। ये जो बचे खुचे हमारे घर में ब्रेड वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोग ब्रेड लाते हैं उसके आगे और पीछे वाला कोई नहीं खाना चाहता पार्ट, तो उसे 1-2 दिन के ब्रेड को आप रख सकते हैं। या फिर आपके पास अगर केक हो, स्पॉन्ज केक, तो उसे भी ले सकते हैं। उसके भी टुकड़ों से ये बन सकता है पराठा। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पराठा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अभी छुट्टी के समय में बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, तो ऐसे में उन लोग के लिए ही मैं ये छोटा सा डिश बना के लेके आई हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग भी है, टेस्टी भी है, और बच्चों को पसंद भी आएगा। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पसंद आएगा। मैंने इसे आगे पीछे वाले ब्रेड के बचे हुए टुकड़े से बनाया है। आप चाहें तो ब्रेड के टुकड़े भी ले सकते हैं, बड़ी अच्छे वाले ब्रेड के पीसेज भी ले सकते हैं। मेरे पास ब्रेड के आगे पीछे वाले ही बचे हुए थे, इसलिए मैंने उससे बनाया है। तो आप जब भी प्रयोग करें, ब्रेड के ताज़े जो आगे पीछे वाले पीसेज हैं उन्हें ले लें और उससे बनाएं। देखिए मैंने टाइट डो बना के एक साइड में रख दिया है, और अब मैं ब्रेड के पीसेज जो आगे पीछे वाले मेरे थे उसे मैंने ले लिया है, और उसे लेके मैंने 2 ब्रेड के पीसेज लिए हैं। एक अच्छे वाले पीस थे और 2 आगे पीछे वाले थे, तो इस तरह से मेरे टोटल 3 थे। अब मैंने उसे हाथ से अच्छी तरह क्रश कर लिया है। ज़्यादा इसे, क्योंकि हम जब सभी चीज़ों को मिलाएंगे तो उस समय ये अच्छे से मिल जाएंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने, आप कोई भी आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं या चॉकलेट क्रश करके ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चॉकलेट को पिघला दिया था और उसे ही लिया है। माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए पिघला लीजिए। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं हो तो आप कोको पाउडर भी ले सकते हैं, कोको पाउडर ले लें, और हो सके तो अगर आपके पास बॉर्नविटा हो तो बॉर्नविटा भी ले सकते हैं। उससे भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा, चॉकलेट फ्लेवर वाले बॉर्नविटा से, और साथ ही न्यूट्रिशियस भी बनेगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के कंडेंस मिल्क डाला है। इसमें हमने किसी तरह का चीनी नहीं मिलाया है, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने आटे में भी चीनी मिलाया था। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट क्रश कर लेंगे और उसे भी इसमें मिला देंगे। ड्राई फ्रूट क्रश करके डालने से ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी तो है ही, डिलीशियस है ही, साथ में न्यूट्रिशियस भी बन जाएगा। अभी हमें बच्चों को ऐसी ही डिशेस देनी है जिससे बच्चों का पेट भी भरे और उनके लिए भाई अच्छे तरह से प्रोटीन विटामिन सबसे भरपूर हो। इसलिए मैंने, अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड हो तो ब्राउन ब्रेड से बनाइए, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि मेरे पास यही ब्रेड थे इसलिए मैंने इससे बनाए। आप आराम से इसमें बॉर्नविटा या फिर आपके पास कोई भी ड्रिंकिंग हो, चॉकलेट वाला कोई भी फ्लेवर का हो, तो आप किसी को भी 2-3 चम्मच डाल दें, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालें। अगर कंडेंस मिल्क भी नहीं हो तो 2-3 चम्मच या घर की मलाई निकाल के 2 चम्मच डाल के उससे भी आप इसे सान सकती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं,
बस हमें उसे पूरा करना है। मैंने देखिए थोड़ा सा कोको पाउडर मिला दिया, कोको पाउडर से थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने एक टेबलस्पून भर के कोको पाउडर मिला दिया है। एक दो बूंद मैंने वेनिला एसेंस मिलाया है, दो तीन बूंद, और उसके बाद मैं अपने क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल दूंगी। मैंने काजू पिस्ता और बादाम लिया है और उसे कूट करके अच्छे से डाल दिया है। आपके पास जो भी हो आप कुछ भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बच्चे जो अलग से नहीं खाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट, इसमें टॉफ़ी के शक्ल में कि चॉकलेट वाली पराठा है तो उसके शक्ल में आराम से खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, एकदम हाइड एंड सीक के जैसा। मैंने डेकोरेट कर, मैंने आटा गूँथ लिया है और देखिए मैंने उसकी चार इक्वल लोई भी बना ली है। इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी कूट के रख लिया था और देखिए अब इसमें हमने मिला दिया है अच्छी तरह से। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और रोटी के साथ वो खा भी लेंगे। और बच्चों के चलते ही मैंने इसे छोटे छोटे शेप में बनाया है। अब हमने गैस में एक पैन को रख दिया है और इस लोई का मैं छोटा छोटा गोल गोल बेल लूँगी। फ्रेंड्स बहुत ही विचित्र समय चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, लेकिन कर्म तो ऐसा है कि हमें करना ही है अपने कार्य को, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है, हे प्रभु संसार के सभी लोगों की रक्षा करो, सभी तुम्हारे अपने बच्चे हैं प्रभु, कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई भी किसी भी मजहब का नहीं है, सब एक है प्रभु, आपके संतान हैं। देखिए अब मैंने इसे चारों तरफ से मोड़ लिया है, चकोर शेप दे दिया है। अब मैं इसे हल्के हाथ से बहुत ही छोटा सा बेल लूँगी और आराम से उसके बाद इसे, पहले मैंने हाथ से फ्लैटन कर लिया था और अब मैं इसे थोड़ा सा ही बड़ा करूँगी और उसे अपने फ्राइंग पैन में डाल के अच्छी तरह सेक लूँगी। बिलीव मी बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हैं, साथ ही बहुत ही न्यूट्रिशियस भी हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी पराठों को भर लेंगे और आप चाहें तो अलग अलग शेप साइज का भी बनाएं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। मैंने इसमें हल्का हल्का ऑयल लगाया है, हो सके तो आप इसे प्योर घी में सेकिए या बटर में, उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही चीज़ को लाती हूँ जो घर में उपलब्ध हो और हम माओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। जनरली हर घर में बॉर्नविटा या फिर हॉर्लिक्स या फिर इस तरह के ड्रिंक वाले, ड्रिंकिंग चॉकलेट वाले रहते ही हैं ड्रिंक, तो उससे ही आप दो तीन चम्मच डाल के बनाइए। देखिए हमारे बच्चे से बहुत ही करारे और कुरकुरे बनते हैं और चीनी भी इनमें ऊपर से पड़ी रहती है तो बहुत ही कैरमल भी रहते हैं, कैरमल हो जाते हैं, इससे इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने उलट पलट के इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हम दूसरा इसमें डाल देंगे, दूसरा मैंने गोल शेप का बनाया है।
इसी तरह से हम सभी को फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद उसे करारा करारा सेक लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से करारा करके सेक लिया है और इसी तरह से हम बाकी को भी सेक लेंगे। इसी तरह से देखिए अब हम अपने सारे पराठों को बेलते हुए सेक लेंगे। मैंने कुछ को चकोर बनाया था और कुछ को मैंने गोल ही सेक दिया था। आप गोल बनाइए या इसे स्क्वायर में बनाइए, ये पराठे दोनों तरफ से बहुत ही टेस्टी लगेंगे। प्लीज़ आप इसे घर में अपने बच्चों के लिए अवश्य बनाएं। इसमें सारा कुछ न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। मैंने आटे से बनाए हैं, इसके अलावा मैंने इसके अंदर में ब्रेड डाला है। हाँ, मैंने वाइट ब्रेड ज़रूर डाला है क्योंकि मेरे पास ब्राउन ब्रेड नहीं थे। आप इसमें इस ब्राउन ब्रेड से बनाइए। साथ ही इसमें मैंने चॉकलेट डाला है। मैंने बता दिया चॉकलेट नहीं हो तो आप कोई भी ड्रिंकिंग चॉकलेट वाले कोई भी हो उसे डाल दीजिए। साथ में ही मैंने तो इसमें कंडेंस मिल्क डाला। अगर कंडेंस मिल्क नहीं हो तो आप घर के मलाई से इसे गूंद सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी से बनाइए, लेकिन आप इसे ज़रूर बनाइए क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और अभी इस बोर होने वाले और बहुत ही नीरस वातावरण में बच्चे बहुत ही खुश होंगे और आपको ज़रूर थैंक्स बोलेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है बहनों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिएगा और भगवान से हर समय प्रार्थना कीजिएगा कि सारे संसार को इस तबाही से मुक्ति दिलाएं। साथ में ही आप गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं उसे भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। भगवान भी तभी सुनते हैं जब मनुष्य खुद अपनी मदद करता है, अन्यथा भगवान भी नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी मदद स्वयं करनी है, हमें गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने हैं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि वो हम सभी लोगों की प्रार्थना सुने और इस भयानक महामारी से हम लोगों को बचाए। इसे भी हम इसी तरह से उलट पलट के सेक लेंगे और हमारे इस तरह से चॉकलेट भरे पराठे रेडी टू ईट है। इसके ऊपर अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा इस पर चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं या फिर हनी डाल के सर्व कीजिए। मैंने चॉकलेट बर्मी सेली जो मेरे पास कलरफुल रखे हुए थे इसे मैंने उसके ऊपर डाल के सर्व किया है। देखिए हमारे सारे पराठे बन गए हैं। मैंने बीच से एक को काट के दिखाया, देखिए कितने भरे हुए और कितने खास्ता हैं। देखिए बिल्कुल करारे क्रिस्प एकदम बिस्कुट के जैसे बने थे। आप इसे अवश्य बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं बना के। कुछ को मैंने इस तरह सर्व किया था चॉकलेट डाल के और कुछ में मैंने चॉकलेट वर्मीसली डाली थी और कुछ में मैंने कलरफुल वर्मीसली डाली थी। और इस तरह हमारे चॉकलेट पराठा बनके रेडी है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए कुछ को मैंने इस तरह से सर्व किया है कलरफुल वर्मीसली से। आप इसे जैसे भी सर्व कीजिए, आपके बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे, बड़े भी खुश होकर खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इस रेसिपी को अवश्य बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा।
आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन बाय बाय।